नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो वेस पे। और आज हम बात करेंगे नई अल्ट्रोज के बारे में, जो कि एक बार फिर से कैद हुई है इमेजेस में टेस्टिंग के दौरान, और जानेंगे इसके फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशंस भी अनेबल कर लें। टाटा मोटर्स की प्रीमियम कार अल्ट्रोज की टेस्टिंग के दौरान कई लीक इमेजेस सामने आई हैं दोस्तों, और खबर यह है कि इसको इस साल के फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी ने अल्ट्रोज के पहले मॉडल 45X को 2018 में लॉन्च किया था। इस कार को ऑटो एक्सपो 2018 में शोकेस किया था कंपनी ने। ये कार टाटा की प्रीमियम सेगमेंट कार मानी जा रही है, जिसे कंपनी अपने नए अल्फा आर्किटेक्चर पर तैयार कर रही है। हालांकि दोस्तों, अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है इस कार के बारे में। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अल्ट्रोज बेस्ड होगी इम्पैक्ट डिजाइन 2.0 पर। दोस्तों, कार के पिछले सीट के हैंडल दरवाजे पर दिए गए हैं, जो कि गाड़ी को एक बहुत ही मॉडर्न लुक देते हैं। और दोस्तों, अगर बाहरी डिजाइन की बात करें तो कंपनी ने हेडलैम्प्स को काफी शार्प लुक दिया है, जो भी देखने में अच्छा लगता है। फॉग लैम्प्स और DRLs हेडलाइट के नीचे दिए गए हैं बम्पर पर। और दोस्तों, इसी के साथ कंपनी ने इसमें अट्रैक्टिव 4-स्पोक अलॉय व्हील भी दिया है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ कार के इंटीरियर को भी नया लुक दिया है कंपनी ने। इसके अंदर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को ही सपोर्ट करता है। साथ ही आप कार के कैबिन की लाइट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रीमियम कारों में ही देखने को मिलता है हमें। डिजिटल टैकोमीटर के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल और एनालॉग दोनों में ही अवेलेबल कराएगी कंपनी। दोस्तों, डिजिटल पैनल में फ्यूल एफिशिएंसी, पावर और टॉर्क से जुड़े हुए आंकड़े देखने को मिल जाएंगे ड्राइवर को। दोस्तों, इसी के साथ आपको कार में अलग अलग रोड्स के हिसाब से ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब अगर इंजन की बात करें तो अल्ट्रोज 3 इंजन वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। 85 bhp की पावर देने वाला 1.2 लीटर का एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, 102 bhp की पावर देने वाला 1.2 लीटर रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन और 90 bhp की पावर देने वाला 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के ऑप्शंस में अवेलेबल होगी ये गाड़ी। दोस्तों, आपको सभी इंजन वेरिएंट्स में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, और साथ ही टाटा इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन दे सकती है। दोस्तों, टाटा अल्ट्रोज का सीधा मुकाबला ह्यूंडई i20, मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और होंडा जैज जैसी गाड़ियों के साथ होगा। दोस्तों, टाटा जिस प्रीमियम सेगमेंट में अल्ट्रोज को लॉन्च करने जा रही है, उसमें पहले से ही कई बेहतरीन गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों, उम्मीद ये है कि ये नई कार डिजाइन के साथ ग्राहकों को अट्रैक्ट करने में कामयाब होगी। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा वीडियो टाटा की अल्ट्रोज के बारे में। आप क्या सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो इस गाड़ी के बारे में तो हमें वो भी जरूर बताएं। तो दोस्तों, एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।